नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 18 अक्टूबर है, दिन है सोमवार। आप सभी का स्वागत करते हुए इसलिए भी प्रसन्नता हो रही है कि जो दो दिन पहले खेत खजाना समाचार पत्र ने एक डेली बुलेटिन शुरू किया था विशेष बुलेटिन के नाम से, उसको बहुत अथाह प्यार मिला है आप सब लोगों का, और दो दिन में ही करीब 300 से अधिक लोगों ने इसकी सदस्यता ले ली है। तो आप सबका फिर आभार, बहुत बहुत आभार। आप निरंतर इससे जुड़िए ताकि डेली अपडेट आपको सारी हर तरह की जींस की, हर तरह के बाजार की आपको जानकारी इसमें मिलती रहेगी। सरसों में जिस तरह से पिछले हफ्ते से बार बार मैं निवेदन कर रहा था और जो मेरी विश्लेषण की जो मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैंने ये प्रयास किया था बताने का कि अगले हफ्ते से यानी आज से सोमवार से सरसों में सुधार की संभावना बन सकती है और ये रिकवरी की दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो आपको खुशी होनी चाहिए कि खेत खजाना का जो विश्लेषण है वो बिल्कुल सटीक रास्ते पर है। आज सरसों में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला है। अभी सुधार इसको नहीं कहना चाहिए, अभी इसको रिकवरी कहना चाहिए, क्योंकि जो पिछले हफ्ते में जो नुकसान हो चुका है उसकी पूर्ति करने में अभी समय लगेगा, क्योंकि सोलोनी के भाव हम सब ने 9500 के घरों में देखे हैं। हमने जो भरतपुर का भाव है वो 87-88 के आसपास देखा है। हमने जयपुर का भाव भी 8800 प्लस देखा है। तो अभी उस तक आने में तो टाइम लगेगा, लेकिन जो रिकवरी की दिशा बनी है, जो तेजी की एक ट्रैक बनी है, जो पटरी पर आई है सरसों, उसके लिए हमें आशा करनी चाहिए कि ये आगे भी इसी दिशा में आगे बढ़ेगी। क्योंकि रोज़ाना बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है कि फंडामेंटल बढ़िया है, सब चीज़ें अनुकूल हैं। अगर सरकार ने कुछ नहीं किया, अब और आगे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो सरसों बहुत जल्दी रिकवरी करने के बाद और आगे बढ़ सकती है, ऐसी संभावना है। नई बात यह है आज कॉटन के अंदर, नरमा के अंदर जो नई बात है वो बताने से पहले, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि सबसे पहले अपलोड होते ही हमारा वीडियो जो है वो आपके मोबाइल पर पहुंचे। आप शेयर और लाइक करते हैं, इसके लिए आपका आभार। मैं इसलिए बार बार ये निवेदन कर रहा हूँ, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कि मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं बिल्कुल सटीक और साफ साफ शब्दों में और बहुत ही साफ सुथरे ढंग से आपको बाजार की जो गति है, बाजार की जो दिशा है, उसको मैं अवगत करवाता रहूँ। तो जैसे मैं पिछले कई दिनों से कह रहा हूँ कि नरमा के अंदर, कॉटन के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज कई मंडियों में, विशेष रूप से राजस्थान की गोलू वाला मंडी में, पदमपुर मंडी में, गंगानगर मंडी में जो भाव है वो 8500 क्रॉस करके 8600 के आसपास कारोबार कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी सूचना है, अच्छी जानकारी है और अच्छे संकेत हैं। आने वाले दिनों के अंदर और इसकी दिशा अच्छी बनेगी और इसमें अच्छा सुधार होगा, और साथ साथ देसी कपास में भी सुधार अच्छा होगा। देसी कपास अभी 7300-7400 के घरों में कारोबार कर रही है, इसमें भी और सुधार होगा। हालांकि प्रेशर भी बढ़ेगा, आवक का दबाव बढ़ेगा, लेकिन सुधार होगा। ग्वार के अंदर भी थोड़ा थोड़ा सुधार देखने को मिला है। आज अगर NCDX वगैरह की बात करें तो ग्वार में बहुत ज़बरदस्त सुधार है, लेकिन मंडियों के अंदर जो ग्वार के जो दाम अभी आए हैं वो हैं 6000 के घरों में। तो 6000 की दिशा अब बहुत जल्दी नरमा की स्टाइल में आगे बढ़ेगी, इस तरह से आगे तेजी से आगे चल सकती है। बात करें बासमती की, तो बासमती का जो आवक का प्रेशर बढ़ा है उसके बावजूद न तो इसमें कोई बहुत बड़ी गिरावट है, लेकिन हल्की फुल्की तेजी जरूर रोज रहती है, चाहे 25 रुपये की रही हो, चाहे 10 रुपये की रही हो, चाहे 100 रुपये की रही हो। तो रोजाना इसमें सुधार हो रहा है। अब 11-21, 1401 और 17-18 और दूसरी वैरायटियां भी आनी शुरू हो गई हैं कुछ कुछ मंडियों में, और उनकी आवक के साथ साथ उनके जो रेट हैं वो भी अच्छे खुल रहे हैं। 1121 का भाव खुल रहा है 3200-3300 रुपये, जो संकेत है कि आने वाले समय के अंदर इसमें और अच्छा सुधार होगा। तो आइए कुछ मंडियों के भाव देखते हैं। आज भाव सरसों का, भरतपुर का भाव रहा है 8101 रुपये, जयपुर का भाव रहा है 8325 रुपये,
आगरा का भाव रहा है 9150 रुपये, ये सलोनी का भाव है 9050 रुपये भाव सुबह खुला था, जिसके अंदर बाद में दोपहर बाद में 100 रुपये का और सुधार हुआ है। गंगापुर सिटी का भाव है 8100 रुपये, नागौर में 8101 रुपये, दिल्ली में 8125 रुपये, अलवर में 8100 रुपये, इलाहाबाद में 7465 रुपये, सिरसा में 7500 रुपये, दादरी में जो मील का रेट है वो है 8050 और जो ढेरी का भाव है वो है 7650। टोंक मंडी में 8230 रुपये, निवई मंडी में 8250 रुपये, हापुड़ में 8150 रुपये, हिंडौन में 8132 रुपये। और आज नरमा के जो भाव हैं, बीटी कॉटन के जो भाव हैं, वो है गोलू वाला में 8671 रुपये, इलाहाबाद में 8050 रुपये और इलाहाबाद में कॉटन देसी कपास बिकी है 7082 रुपये। संगरिया में नरमा बिका है 8414 रुपये, सिरसा में 8175 रुपये, मोड़ मंडी पंजाब में 8005 रुपये, अनूपगढ़ में 8601 रुपये, पीली बंगा में 8500 रुपये, पदमपुर में 8600 रुपये, गंगानगर में 8350 रुपये, श्री विजयनगर में 8510 रुपये, साधुल शहर में 8425 रुपये, फतेहाबाद में 8092 रुपये, रावतसर में 8350 रुपये, हनुमानगढ़ में 8465 रुपये, अबोहर मंडी में 8220 रुपये। कपास आज फतेहाबाद में बिकी है देसी कपास 7300 रुपये, सिरसा में 7345 रुपये और इलाहाबाद में 7082 रुपये। ग्वार आज नौहर में बिका है 6010 रुपये और सिरसा में ग्वार का भाव रहा है 5700 रुपये। 1509 के भाव सिरसा में रहे हैं 2955 रुपये, कोटकपुरा में 2990 रुपये, तरन तारण में 3001 रुपये, इलाहाबाद में 2968 रुपये, रतिया में 3050 रुपये, खनौरी मंडी में 2910 रुपये, बरवाला में 3000 रुपये, समालखा में 2825 रुपये, फतेहाबाद में 3050 रुपये, कैथल में 2971 रुपये। 1121 आज फाजिलका में आया है और भाव मिला है 3240 रुपये, कोटकपुरा में 3200 रुपये, तरन तारण में 3226 रुपये और अमृतसर में 3300 रुपये। 1718 फाजिलका में रहा है भाव 3200 रुपये, कोटकपुरा में 2950 रुपये, तरन तारण में 3137 रुपये, खनौरी मंडी में 3080 रुपये। एक दो जगह 1401 भी आया है, रतिया में जैसे 2872 रुपये, फतेहाबाद में 2761 रुपये। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।